रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई टीएमसी बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी की जीत पर ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने एक बड़ा बयान दिया है। फिरहाद हकीम का कहना है कि निगम चुनाव में सीपीएम की मजबूती से उनको खुशी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की जगह सीपीएम का आगे आना अच्छा है। विपक्ष के तौर पर सीपीएम से टीएमसी को कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी बंगाल के लिए सही नहीं है। ममता सरकार में मंत्री हैं फिरहाद हकीम और जो बढ़त टीएमसी को हासिल हो रही है कोलकाता नगर निगम चुनाव में, इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये कहा कि सीपीएम की स्थिति मजबूत हो रही है, इस बात से टीएमसी को खुशी है। वो सीपीएम को एज ऑपोजिशन बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी बंगाल के लिए सही नहीं है। सुनिए। मैं फिलहाल तो हूँ अभी फिरहाद हकीम की घर के बाहर। फिरहाद हकीम जो तृणमूल कांग्रेस की मिनिस्टर है और पहले नगर पालिका की मेयर रह चुके हैं और वो खुद आके रिजल्ट्स देख रहे हैं। मैं उनसे एक बार बात करूंगा। सर, आप टाइम्स नाउ भारत में लाइव है सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स के इंडिकेशन अगर देखें तो 116 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस आगे है, 3 सीटों का रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गया, तृणमूल जीत रहा है। मैं अभी 126 वोट से हम आगे हैं। अच्छा, और मैं आपसे कहता हूँ 134 वोट में मैं हम लोग आगे रहेंगे। 134 सीट, 134 सीट में आगे रहेंगे। अच्छा, 130 से 134 सीट में आगे रहेंगे। हम बोले थे पहले भी 130 से, एनीथिंग बिटवीन 130 to 140। मगर हमको जो सबसे आज अच्छा लग रहा वो है जो लेफ्ट इज अगेन कमिंग अप एज आवर ऑपोजिशन। अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा, और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो है ये तो हमारे डिविजनल पॉलिटिक्स करते थे, ये तो हमारे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इसका, ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलता है। बंगाल में हम सब एक साथ हैं, क्योंकि बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, विवेकानंद का बंगाल है। यहाँ पर ये डिविजनल पॉलिटिक्स नहीं चलता है, यहाँ पर काम के ऊपर पॉलिसी के ऊपर चलता है। आप जिस तरह से कह रहे हैं सर, जीत से ज्यादा खुशी आपको बीजेपी सेकंड पोजीशन में ना हो, इससे है। हाँ, हमको ये अच्छा लग रहा है जो बिकॉज वी हैव फॉट विद द लेफ्ट थ्रू आउट आवर लाइफ, सारा जिंदगी हम लेफ्ट से लड़ाई किए हैं। इस बार फिर हमें अच्छा लग रहा है जो हम लेफ्ट के साथ लड़ेंगे, कम से कम ये डिविजनल पॉलिटिक्स जो है ये बंगाल से जाएगा, आज नहीं तो कल। जो ये पर्सनल अटैक, ये ठीक नहीं। तमाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तमाल, आपके साथ बातचीत में फिरहाद हकीम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि हमें विपक्ष के तौर पर लेफ्ट मंजूर है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए। एकदम, और ये पहली दफा ऐसा कोई स्टेटमेंट आया, वो भी तृणमूल कांग्रेस की मंत्री से। हमने देखा कि 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार हुई, ममता बनर्जी की सरकार हुई, वो 34 साल की लेफ्ट रूल को खत्म करने के बाद ये सरकार बना था, और उसके बाद बहुत सारे जगहों से तृणमूल कांग्रेस की तरफ आरोप आया कि उनके चलते बीजेपी का एंट्री पश्चिम बंगाल पे इतना ज्यादा हुआ और इतना मजबूत बीजेपी बन पाया। और आज ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस खुश है अगर लेफ्ट विपक्ष में हो, बीजेपी ना हो। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, इसीलिए लेफ्ट ज्यादा बेहतर है ऑपोजिशन की कुर्सी पे। तो ये पहली दफा ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है। बीजेपी का प्रतिक्रिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीजेपी फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल की जो लैंडस्केप है, उस 2021 के इलेक्शन की अगर बात करें तो करीबन 38% वोट शेयर उनके पास है। तृणमूल कांग्रेस के पास करीबन 49% वोट शेयर है, लेकिन बीजेपी के पास 38% वोट शेयर है, और लेफ्ट और कांग्रेस के मिला के जो वोट शेयर था वो करीबन 10 से भी नीचे है। तो आज अगर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि वो चाहेंगे जी लेफ्ट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट दरअसल टीएमसी की जो मंशा है, जो उनका इंटेंशन है वो बता रहा है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में भी ममता बनर्जी यही करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी सत्ता में नहीं विपक्ष में भी नहीं चाहिए उनको।